हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर यूईएफए यूरोपा लीग का मैच हो रहा है एटलांटा वर्सेस लिवरपूल के बीच 12:30 बजे। एंड बात करें भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। एंड बात करें अगर हम इस मैच की, तो एटलांटा और लिवरपूल में वी हैव टू फेवर लिवरपूल। एक्चुअली पिछले मैच में एटलांटा ने इनको 3-0 से हरा दिया था, जो कि सबके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था, ना कोई जानता था कि लिवरपूल एक भी गोल नहीं करेगी। सबको लग रहा था कि लिवरपूल कम से कम 2-3 गोल करेगी और एटलांटा 1-2 गोल में ही हार जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया भाई, इतना बड़ा उल्टा, मतलब हैरान। 3-0, सोच भी नहीं सकता था कोई इस मैच में। लेकिन आज भी ऐसा है कि मैं तो आज भी ये नहीं सोचूंगा, हम एटलांटा को फेवर तो नहीं करेंगे, लेकिन आज 30% इनके साथ हैं, 70 हम लिवरपूल के साथ हैं। पिछली बार 90-10 थे, उसमें हमने लॉस खा लिया था, लेकिन लॉस नहीं खाया था, जी स्कैम का तो था टीम में, लॉस का आएगा यार, लॉस तो नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा एक डिफेंडर था एटलांटा को, तो मैच तो बच गया था, ऐसी बात नहीं है, जीत ही गए थे भाई 70-80% कॉन्टेस्ट। तो आज कोशिश करेंगे और अच्छा करने की, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बात करें स्ट्राइकिंग की। देखो भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन में मोहम्मद सलाह बहुत जेन्युइन प्लेयर है, पता नहीं प्रीवियस मैच में क्यों नहीं चला, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है इस बंदे पे। चलो एज अ सब्स्टिट्यूट आया था 45 मिनट्स, लेकिन लिवरपूल के इस खिलाड़ी के लिए 45 मिनट भी बहुत है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं चला यार, इसमें बहुत दम है यार, इसको चलना चाहिए था। एंड अगर मैं आगे से अगर बात करूँ, देन न्यूनेस को लूँगा, न्यूनेस भी वो अमेजिंग है भाई, न्यूनेस भी, ये तो यंगस्टर है, मतलब ये तो इन मैचेस के अंदर कुछ अलग कारनामा कर सकता था, लेकिन उल्टा हो गया, कारनामा कर गया भाई ऑपोजिशन टीम का, जी स्कैमका, वो तो शुक्र है मैंने इसको ले रखा था भाई, नहीं तो मैच गया था मेरे हाथ से, स्कैमका के कारण ही मेरा मैच बचा था, तो उसके लिए तो थैंक्स है। लेकिन फेवर की जहाँ तक बात है, देन फेवर तो लिवरपूल ही थी मेरी। एंड बात करें यहाँ पर मिडफील्डिंग की, तो एम पशेलिक को यहाँ पर मैं लूँगा। देखिए, एम पशेलिक के बाद इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है टी कूप मिनर्स। लोग कहेंगे तूने सीडे कैटेलरी नहीं लिया, भाई सीडे कैटेलरी का काम नहीं है, किसी में भी इतना दम नहीं है जो कूप मिनर्स की जगह पर सीडे कैटेलरी लेगा। और टी कूप मिनर्स की सिलेक्शन आज सिर्फ 9% है, आपको पता ही है कि इस बंदे की 90 से कम नहीं होती, और आज उस बंदे की 9% है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने आज ध्यान नहीं दिया। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, देन ए मैकलिस्टर को लूँगा, ए मैकलिस्टर के बाद एल दियास तो सबसे पहले बनता है, क्योंकि लास्ट मैच में मोस्ट ऑफ द लोगों का जो ट्रस्ट था वो एल दियास पे हो सकता था अगर ये बंदा प्लेइंग 11 में आता, वो चक्कर क्या था, ये था नहीं, और लोगों ने उल्टे सीधे प्लेयर उठा लिए लाइक डोमिनिक एंडो वगैरह, फिर बेचारे हार गए। एंड बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, दैन विर्गिल वैन डिजिक के बाद जे गोमेस को यहाँ पर मैं लूँगा। और आज एर्नोल्ड तो आपको पता है बहुत समय से इंजर्ड है, बट आज मैं रॉबर्टसन के साथ हूँ, ज़ैपा कोस्टा को नहीं लूँगा। ज़ैपा कोस्टा ने लास्ट मैच में असिस्ट तो की थी, लेकिन मुझे लगता है आज लिवरपूल का परला लिटिल बिट भारी रह सकता है। और बात करें गोल कीपिंग की, दैन मूसो, जे मूसो करके एक प्लेयर है, इसके साथ 100% जाना। प्रीवियस मैच में लिवरपूल के अगेंस्ट इस बंदे ने एक भी गोल नहीं करने दिया, 5 के 5 गोल रोक के क्लीन शीट लगवा दी अपनी टीम की। एंड बात करें यहाँ पर कैप्टन की, तो जो मेरा कप्तान है वो है मोहम्मद सलाह, और जो मेरा वाइस कैप्टन है वो है डी न्यूनेस। एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग रिस्क ऑन स्कैमेका, पिछले मैच में 2 गोल कर गया, रोज़ का नहीं होता भाई, रोज़ गोल करने का काम है मोहम्मद सलाह का भाई, सो आई एम ट्रस्टिंग मोहम्मद सलाह। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।